Jai Ganesh, Jai Mahadeva. Jai Ganesh, Jai Mahadeva. आज हम आए सिंध भवानी मकली माता के मंदिर. दर्शन कर रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये. अच्छा, ये मकली मंदिर के महाराज हमारे साथ हैं. महाराज, अपना पहले नाम बताइए और फिर अपना सारा मंदिर. मैं महाराज हूँ इन मंदिर का, शनि श्री महाराज. नाम मेरा श्रोता गाँव में. ये कितना पुराना मंदिर है महाराज? 200,000 साल पुराना मंदिर है. अच्छा, ये इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं. ये नीचे मंदिर जो हमने दिखाया माता का, मंदिर आपके हैंड ओवर में है, मतलब जब से आप इस तरीके से या सब कुछ आप लोग ने चेंजिंग भी लाया है. अच्छा, तो यहाँ कितने श्रद्धालु भक्त आते हैं यहाँ पर? आप भंडारा कब चलाते हैं? 24 घंटे भंडारा, जब भी आए मतलब प्रसादी भंडारा यहाँ मिलता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जय माता दी, जय श्री राम. ये भी एक भक्त है, महाराज जी के साथ यहाँ सेवा में होते हैं और ये बेचारे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते मगर सेवा में जुड़े रहते हैं, तो इनकी सेवा है. महाराज जी, ये जो माता की छवि है ये नेचुरल, मतलब ये जब से मंदिर प्रकट हुआ है जब से ये मंदिर है माता सिंह भवानी. ठीक है, जब से हुआ है. ठीक है, 200,000 साल पुराना मंदिर. और ये मतलब राम भगवान भी आए? अच्छा, तो ये तो राम भगवान तो बहुत पहले आए, तो जब से मंदिर ये है आगे का मंदिर से आगे का मंदिर. और ये थोड़ा सा बताएं आप लोग, ये जो यहाँ पर कोई मेला वेला लगता है आप लोग? साल में दो मेले लगते हैं. कौन कौन से महीने में लगते हैं? चौथे महीने में, नौवे महीने. अच्छा, ये दो मेले यहाँ लगते हैं. और आप भले सिंधी में बोलो, अपना बोले. अच्छा, पहले यहाँ के दर्शन करने के बाद फिर इंगलाज जाते हैं? अच्छा, तो आप कितने अरसे से यहाँ सेवा में? धन्यवाद आपका. तो ये माता के दर्शन करें आप लोग. तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव. हमसे जुड़े रहें, दिखाते रहेंगे आपको. जय श्री राम. यहाँ की कामेडी ने जो माता श्री भवानी की कामेडी है जो सारा जय माँ चामुंडा की भी छवि है यहाँ पर, आप देख सकते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है.
जय श्री राम, जय बजरंग बली। आप ये देख रहे हैं बहुत ही कदीम मंदिर है, इसके बारे में भी आपको बताया महाराज जी ने। ये पीरान रामा पीर का मंदिर है। जय हो रामा पीर बाबा की, जय हो अलग धनी की, जय हो। ये देख रहे हैं आप रामा पीर का मंदिर है। और बहुत पुराना कदीम मंदिर है ये माता रानी का। यहाँ श्रद्धालु बच्चे भक्ति में लगे हुए सेवा करते हैं। ये मंदिर रेनोवेट हो रहा है, कुछ काम चल रहा है यहाँ। वहाँ देख रहे होंगे आप श्रद्धालु भक्त जो है प्रसाद में भी प्रसादी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आए कराची से, तो कराची से यहाँ पहुँचे। पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही हवेली टाइप की मुझे दिख रही है मंदिर के पीछे कुछ, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है अभी कि हवेली है या मंदिर है। वो पीछे भी एक हवेली जैसी लग रही, शायद मुझे लगता है वही मंदिर का पार्ट है, तो पूछेंगे किसी से फिर बताते हैं आपको। ये कौन सी जगह है बेटा? मकली है, मकली पर माता रानी। अच्छा, ये मकली है, जगह मकली का शहर है। हम कराची से आए, मकली में ये मंदिर है माता शेरावाली का। आपको हमने दिखाया अंदर से, बहुत ही खूबसूरत है, और बाहर का भी आपको नज़ारा करा रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है ये, आप देख सकते हैं। कुछ श्रद्धालु भक्त बेटियाँ भी हमारे में बैठी हुई है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मंदिर का आपने नज़ारा किया। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसे कि अभी हम आए कराची से, तो हमारे जो साथ हैं सारे भक्त जो मौजूद थे वो प्रसादी भंडारा कर रहे हैं, क्योंकि आगे इसका पड़ाव भी हमें यहाँ से जाना है। तो दिखाएंगे आपको जो हम कहाँ निकलते हैं और क्या करते हैं, फिर साथ रहेंगे। गोभी भाई, राजेश भाई और हमारे चंदूमल भाई देख रहे हैं, ये सेवा में लगे रहते हैं, हर वक्त हर जगह मौजूद होते हैं। माता के जहाँ भी जागरण हो तो ये ज़रूर पहुँचते हैं। तो ये सारे श्रद्धालु भक्त हैं। हाँ, मैं दोपहर को नहीं खाता है इसलिए। श्री राम, जय बजरंग बली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भंडारा प्रसाद यहाँ पर ताज़ा ताज़ा बना के अभी हमारे जितने भी हमारे भक्त आए हैं, सेवा मंडली हमारी पहुँची है इंगलाज माता की, तो इनकी खिदमत के लिए ये ताज़ा ताज़ा बना रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, आप देख सकते हो कि भंडारा प्रसाद भी चल रहा है हमारा, और बहुत अच्छी सेवा है ये भंडारे की। बिल्कुल लाइव सेवा चल रही है, ताज़ा प्रसाद बना दिया। आप बताएं इस मंदिर के बारे में कोई बात है थोड़ी सी, हमें बताएं। ठीक है, तब राजा आपको बताएगा। अच्छा, मैं बोलता हूँ जो भी इसके पास हो, यहाँ का पुराना पुजारी, ठीक है, जब उसको बताएं। चले, आपको प्रसाद कैसा लग रहा है? ये देखिए ताज़ा ताज़ा प्रसाद अभी खिलाया जा रहा है, ये भक्तों की सेवा की गई है। इंगलाज कमेटी यहाँ पहुँची है, जागरण में जा रहे हैं, भी हम आगे का पड़ाव आपको दिखाते रहेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये गौशाला है, गौशाला देख रहे हैं, और गौशाला के साथ ही हम दिखा रहे हैं भी आपको शिव मंदिर। देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखाते हैं आपको सियापति रामचंद्र पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। महावीर हनुमान जी का आप देख रहे हैं, और आपको दिखाते हैं शिव मंदिर महादेव जी का। आप देख रहे हैं ये जो है पहले कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छी छवि बनी हुई है, और ये मंदिर है, स्थान है, और इसके साथ ही हर हर महादेव। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, ओ भोले नाथ रे, हो भोले 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 भोले। आप देख सकते हैं शिवलिंग भी है, और शिवलिंग भी हम जल चढ़ाएंगे, जल भी मौजूद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शंकर महादेव। आपने देखा ये शिवलिंग भी विराजमान है, अति सुंदर शिवलिंग, और महादेव जी विराजमान है, शंकर भोलेनाथ, सियापति रामचंद्र पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से निर्ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जय जय राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से निर्ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, जय जय राम। ये आप देख सकते हैं लाल गुरु साई और शिरडी वाले साईनाथ भी मौजूद हैं, साई बाबा भी मौजूद है और लाल साई की भी बहुत ही प्यारी छवि यहाँ मौजूद है इस मंदिर में। राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई भाई जैन भाई साहब, आप माता रानी बकरी मंदिर ठट्ठा में आज मौजूद हैं यहाँ पे। यह है पहला पड़ाव, जब इंगलाज की यात्रा होती है ना जी जी, तो यहाँ से ठुमरा लेके लोग इंगलाज की यात्रा किया करते थे। ठीक। आज हम इसी स्थान पे, आज हमारा है इंगलाज माता सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान का जागरण। ठीक है। रोड चेलार में। ठीक। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं, आज ये हम यहाँ पे दर्शन पाके माँ सिंह भवानी के, तो हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे जाके आज माता रानी का जागरण करेंगे। तो आज ये बड़ा अच्छा शुभ दिन है, 11/11/2022। वाह जी वाह, बहुत अच्छा दिन आ गया है हमारे लिए। माता रानी ने एक निवेद्य किया हुआ है कि हमने बगैर सोचे समझे एक रख दिया थे डेट, लेकिन आज पता चल रहा है कि आज हम बहुत अच्छी डेट पर जा रहे हैं। जो एक डेट ऐसी है जो कभी ना आने वाली सही हमारी आयु में कम से कम, क्योंकि 23 आएगा 22 नहीं होगा कभी। ठीक है। तो 23-24 चलता रहेगा, लेकिन आज ये जो डेट है तो ये 11/11/2022 बहुत अच्छा समय, अच्छा वक्त भंडारा सिंह भवानी मंदिर पे आज हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है। आगे हम दिन के रास्ते मिट्टी से उठते हुए चेलार से होते हुए को जाएंगे। स्थाई रात का मनोरंजन वहाँ पे होगा, हमारी साथ संगत पूरी जो हमारी टीम है, जो ये इंदिरा माता सेवा फाउंडेशन जो पाकिस्तान को बनाई हमने, उसकी आज ये हम लोग बुनियादी तौर पर हम सारे रुकन, आज सारे जो सदस्य हमारे हैं, जो हमारे सारे मेम्बरान हैं, आज सारे आन बोर्ड हैं, आज यहाँ ठट्ठे पे खड़े हुए। एक हमारा जत्था मीरपुरकास्ट में, वो हैदराबाद और बाकी जगहों से वहाँ पहुँचेगा, फिर हम यहाँ पे वहाँ पे जाएंगे। आज रात को आप हमारे साथ हैं, देख लेंगे आज ये माता भगवती का जो एक जागरण है, जो माता भगवती को हम उसको जो भजन और ये दुनिया लगा के उसको हम माता रानी को अपने पास करेंगे अमृत, कि वो हमारी रक्षा करे, हमारी सुरक्षा करे, हमें ऐसा करे कि हम ये जितनी फाउंडेशन हमारी जो बनी हुई है ये सदा कामयाब रहे। और हम ये जो कार्य जो हमने रखे हुए हैं जागरण के, लोगों के, इंसान के, खिदमत के, जो हम मेडिकल जो कैंप जो बनाएंगे जगह जगह पे जाने के, वो और एक खास कर जो हमने माता रानी हिंगलाज में जोड़ा हुआ है, जो सब हम सब बिलीव करते हैं हिंगलाज माता पे, क्योंकि हम सब वहीं से जुड़े हैं। तो ये फाउंडेशन का पहला काम भी है वहाँ की सेवा, वहाँ की खिदमत। लोग जो आते हैं यात्री, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा तन मन धन से वहाँ करें। तो ये पहला स्टेप जो हमारा जो है वो है हिंगलाज का, हम वहाँ से जुड़े हैं। तो पहला हमारा है कि वहाँ की तीर्थ स्थान की जो सेवा है, जो खिदमत है, उसको करें। उसके बाद ये जहाँ जहाँ जागरण होते हैं वहाँ लोगों को जागरण कराएं, मेडिकल की फैसिलिटी दें, मेडिकल लगाएँ वहाँ, फैसिलिटीज करें। जो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स है बुक्स की या किसी तरह से और किसी एंगल से, कोई बोर्ड या पेंसिल कापी जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी सेवा करना, उनकी खिदमत करना। गांव में जहाँ जहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे धार्मिक शिक्षा उसके लिए, और ये जो तालीम जो आज का एक जेवर है लोगों का, बच्चों का, क्योंकि तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है, वो तालीम जो है वो जेवर हम लोगों को पहनाएँगे। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी उनकी मदद करेंगे, उनको हम फैसिलिटीज करेंगे, ताकि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारी कौम का नाम रोशन करें, हमारी मिनार्टीज के जो जितने लोग हैं उनका नाम रोशन करें, ताकि हम एक मोबाइल वतन पाकिस्तानी बनकर दुनिया में उभरे। जय माता की, पाकिस्तान जिंदाबाद। कमेटी हमारी इंग्लाज कमेटी यहाँ मौजूद है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये लता रवि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं सब चीज़ें।
तो आप हमसे जुड़े रहें, आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ, तो धन्यवाद। हाँ जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता, क्या भाभी, माता की जय, जय माता की जय, ता की जय। देख रहे हैं कि आप ये पहला पड़ाव था हमारा, हम आपको दिखाएंगे कि अभी आज रात को जागरण भी है माता का, तो ये श्रद्धालु भक्त सारे यहाँ मौजूद है सेवा में, सिक्योरिटी के इंतजाम भी संभाले हुए हमारे भाई ने। कैसा लग रहा है भैया आपको यहाँ सेवा करते हुए या खिदमत करते हुए? फर्स्ट क्लास तो लग रहा है, ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, मन मान लगा हुआ है, अल्लाह शुक्र है मालिक का, अच्छा आसान है। और जो भी दर्शन वाले आते हैं, दुख दराज बड़ा अच्छे बंदे आराम के साथ दर्शन करते हैं। आपका नाम बताइए भैया? नाम है गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद, देखें ये भी सेवा में जुड़े हुए हैं और ये माता रानी के यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी के इंतजाम सारे संभालते हैं और ये बहुत भरपूर इनकी सेवा है। हम आपको दिखा रहे हैं ये माता रानी का बाहर से पूरा आपको दिखाएंगे दरबार, तो आप ये देख रहे हैं माता रानी का दरबार है ये, और ये माता रानी का आप देख सकते झंडा लहरा रहा है, और ये हमारी गाड़ियाँ हैं जो हम आगे निकलेंगे, आगे जाएंगे अभी। ये कौन सी माता रानी का, थोड़ा सा बता कौन सा मंदिर है और कहाँ है? ये हम खड़े हैं अभी ठट्टा पे। ठीक है, आज हम सिलार जा रहे हैं माता रानी के जागरण में, तो हमारी यात्रा कराची से शुरू हुई है और इस वक्त हम पहुँचे हैं ठट्टा सिंह में। सिंह भवानी माता का ये मंदिर है, ये आप देखें सिंह माता भवानी का ये मंदिर है पूरा है मकली शहर के अंदर। तो आज हम इधर अभी दर्शन कर रहे हैं माता रानी के, और यहाँ से दर्शन करके माता रानी से प्रार्थना करके कि मैया रानी हम सबको खैर खैरियत से चिलार लेके जाए और वापसी खैर खैरियत से हमें अपने अपने घर पहुँचाए। धन्यवाद आपका, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ठट्टा ठट्टा शहर है, ये पूरा शहर आबाद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ अभी बहुत धवा धवा है, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये मकली का कब्रिस्तान है, कदीम कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं ये। तो ये यहाँ से ट्रैफिक सुपर हाईवे, यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान के सामने ये माता का मंदिर बना, ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, ये मकली कब्रिस्तान कहलाता है, और ये सामने माता का दरबार आपको दिखा रहे हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग, और सूर्य देव भी बहुत आप और ताप से चमक रहे हैं, और ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, फिर अगला पड़ाव हम आपको बताएंगे, हमसे जुड़े रहिएगा। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। राम जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि देख रहे हैं इंगलाज मंडली का ये मान सम्मान किया जा रहा है, आपको दिखा रहे जाए, सबसे पहले मिर्सिमल भाई का मान सम्मान किया गया, ये हमारी पूरी मंडली का मान सम्मान हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसलिए हम जरा पीछे हैं। बॉबी भाई हैं, ये बॉबी भाई का भी मान सम्मान किया गया, ये राजेश भाई का भी मान सम्मान होगा। ये हमारी ज्ञान विषय की टीम, उनका भी मान सम्मान, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तमाम इंग्लाज कमेटी के मेम्बरान जय कहते कह रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं आगे पढ़ाओ के लिए, तो आपको आप हमसे जुड़े रहे, हम दिखाते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है आगे। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। हमारे साथ चंद्रमल भाई भाई मौजूद है गाड़ी में, अब हम आगे निकल रहे हैं, तो चंद्रमल भाई से पूछेंगे कहाँ पर अभी हमारा रास्ता कहाँ का है। हम अभी जो है मकली मंदिर से निकले हैं, अभी आगे हम चलेंगे, अभी हमारा रास्ता है मिठी का, मिठी से फिर चेलार, चेलार से फिर जहाँ जागरण है वहाँ जाएंगे, कच्चा रास्ता है, वहाँ से रात को माता रानी का जागरण होगा, सारी रात वहाँ जो है माता रानी का जागरण करेंगे, उसके बाद सुबह वापस जो हमारा प्रोग्राम है चूड़ियो नगर पार्क का, उसके बाद चूड़ियो सुबह की नाइट हम चूड़ियो पे होंगे, और रात को वहीं चूड़ियो में रुकेंगे, वहाँ जागरण करेंगे, उसके बाद जो जिसे प्रोग्राम सेटल होगा फिर लंगर आएंगे, लंगर में साधुओं की यात्रा करेंगे, वापस कराची, इतवार तक, इतवार तक कराची चलने देंगे। अब ये देखें हम, हमारे साथ मिर्सिमल भाई भी बैठे हैं गाड़ी के अंदर, बहुत बिजी है
हम लोग को दिखा रहे हैं। सारी सेटिंग प्रिंसिपल भाई की आदमी होती है तो सबको लेन वन लेन अप कर रहे हैं कि सब पहुँचे, तो ये सब चीज़ें हम दिखा रहे हैं आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से, लता रवि यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हमारे साथ जुड़े रह गए, आगे हम दिखाते हैं क्या हो रहा है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अभी हम देखें कलाची पहुँच गए। कलाची में एक राइस मिल है हमारे भाई की, सोना राइस मिल। अब यहाँ हमने पड़ाव लिया और चाय पी और हमारी टीम जो है अब यहाँ से निकल रही है आगे जाने के लिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये सब कुछ YouTube के माध्यम से, लता रवि चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, ये आप देख रहे हैं राइस मिल है, ये भी हमारे भाई की है जो इलाज कमेटी के मेंबर है। वो हम यहाँ आए हुए और यहाँ से चाय वाय पी अभी हम लोगों ने। अब हम अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, आप हमसे जुड़े रहिएगा। गाँव है, गोट है, गुलाची गोट है और ये आपको हम दिखा रहे हैं। सारे जो है तकरीबन गधा गाड़ी के ऊपर सारा काम है और चंची रिक्शे वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये आप देख रहे हैं। जय श्री राम। जैसा कि अभी हम भाई बताएंगे, अभी गुलाची क्या पता बोलते हैं ना सर, हम इसको बोलते हैं गुलाची। ये डिस्ट्रिक्ट बदीन में आता है, यहाँ से तकरीबन बदीन 25 से 30 किलोमीटर है। यहाँ पे आबादी ज़्यादातर सारी की होती है, चावल जो अभी बिल्कुल उगाई के लिए तैयार है। क्या बोलते रहे, बोल थोड़ा बताएं। उसके बाद अभी अपने यहाँ रास्ते में आएगा अपने को बदीन, ठीक है, वो भी आपको घुमाएंगे दिखाएंगे बाहर से। तो ये देखा आपने, ये हम बदीन की तरफ रवा दवा है और बदीन में पहुँच के फिर थोड़ा आपको वो भी दिखाते हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा YouTube के माध्यम से, लता रवि चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं ये सब चीज़ें। चलें, धन्यवाद।